मुखर्जी, सुनील कुमार पिंटू जी, पार्टी के राष्ट्रीय श्री अनिल हेगड़े साहब, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री धनंजय सिंह जी, मोहम्मद अफाक अहमद साहब, यहाँ उपस्थित नागालैंड प्रदेश के सभी सम्मानित पदाधिकारी साथीगण और यहाँ अन्य उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, आप बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, हम सब आज हम अपने नेता आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में दीमापुर आए हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने आज उनकी जयंती है और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और मेरे जैसा भी एक साधारण पार्टी का कार्यकर्ता उसी लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के जो आंदोलन 1974 में जो पूरे देश में देशव्यापी जन आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में हमारे जैसा व्यक्ति भी भाग लिया था और हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से उनका बहुत ही घनिष्ठ रिश्ता रहा। तो इसलिए हम सबों का लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के प्रति अगाध श्रद्धा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी जब पिछली बार हम दीमापुर आए थे और दीमापुर से हम कोहिमा भी गए और कोहिमा जाने के बाद हमने लगभग 12 सिविल सोसाइटी के लोगों से मिला था, प्रदेश के अध्यक्ष लोटा साहब, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वफाक साहब, ये दोनों उपस्थित और सबों ने एक दर्जन जो सिविल सोसाइटी के लोग थे, सबों ने एक स्वर से ये कहा था कि नागालैंड में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की पूजा हर घर में होती है, उनका सम्मान हर घर में होता है, हर घर के लोग, हर परिवार के लोग नागालैंड के वासी उनको श्रद्धा की नजर से देखते हैं। इसका कारण है कि नागालैंड जब अशांत था, नागालैंड में जब लोग शांति के लिए तरस रहे थे, नागालैंड में पूरे हिंसक आंदोलन का दौर था, उस समय लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी 1964 में आए। 3 वर्षों तक यहाँ रहकर घर घर गांव गांव उन्होंने घूमा। अभी हम गए थे जब कोहिमा, वहाँ एक बुजुर्ग ने बताया कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी 1964 से लेकर 1967 तक नागालैंड के गांव में घूमते थे, वादियों में जब घूमते थे, जब हिल एरिया में जाते थे, जिस गांव में भी जाते थे, सफेद गाड़ी पर चलते थे और सफेद झंडा लगा के वो गाड़ी पर घूमते थे और दूर से लोग, गांव के लोग ये देख लेते थे कि इस सफेद गाड़ी और सफेद झंडे वाली गाड़ी पर लोग जयप्रकाश नारायण आ रहे हैं और हमारे लिए शांति का संदेश लेके आए। इसलिए जयप्रकाश नारायण जी का जो कर्मभूमि है वो नागालैंड में आज उनकी कर्मभूमि के कारण नागालैंड के लोग शांति चाहते, नागालैंड के लोग शांति के प्रेमी, सभी सोसाइटी के लोगों ने यह कहा कि हम सब लोग शांति के लिए तरस रहे, हम सब लोग शांति चाहते हैं नागालैंड। आप करें मेहनत, नागालैंड के लोग अपने मेहनत के बल पर और लोगों पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं और यही कारण है कि आपको याद होगा नागालैंड वासियों को 2018 का जो विधानसभा का चुनाव नागालैंड में हुआ था तो वादा किया गया था, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वादा किया गया था नागालैंड में कि 2018 का चुनाव इलेक्शन फॉर सॉल्यूशन है, इलेक्शन फॉर सॉल्यूशन है। 5 साल बीतने बीत गया, 5 साल समाप्त होने जा रहा है, क्या हुआ सॉल्यूशन का, क्या हुआ उसका निधन? नागालैंड को आप, नागालैंड के लोग जहां 2018 में खड़े थे आज 2023 में भी वही खड़े थे, इसलिए नागालैंड के लोग शांति चाहते। हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 17 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सच्चे अनुयायी हैं। इन्होंने 2005 में के नवंबर में बिहार की जनता को वादा किया था कि हम न्याय के साथ विकास का काम करेंगे, डेवलपमेंट विद जस्टिस, और 17 वर्षों में बिहार के लोग आप इस आज इस सभा में बहुत से बिहार के लोग उपस्थित हैं और उनको मालूम है, जब वो अपने गांव जाते होंगे, अपने घर जाते होंगे, उनको पता लगता होगा
कि नीतीश कुमार जी ने अपने वादे को कर जमीन पर बिहार की धरती पर उतार के दिखा दिया है, बिहार में परिवर्तन लाकर मुझे आज कोई बिहार का ऐसा गांव नहीं है जहां सड़क नहीं है, बिहार का कोई घर ऐसा नहीं है जहां बिजली नहीं है, बिहार का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां लोग 12 बजे 1 बजे 2 बजे 4 बजे रात में भी एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकते हैं और बिना किसी डर भय के जा सकते हैं। ये काम करने करके दिखाया है बिहार में नीतीश कुमार जी आज हम लोग के बीच है और आपको भी यह संदेश देने आए हैं। हम सब जनता दल यूनाइटेड की तरफ से आपको यह भरोसा और विश्वास दिलाते हैं कि आपको यह भरोसा और विश्वास दिलाते हैं कि अगर आपका विश्वास और समर्थन जनता दल यूनाइटेड को रहा तो जनता दल यूनाइटेड नागालैंड को भी बिहार के रास्ते पर परिवर्तित करके दिखाएगी। बिहार का ये दूसरा मॉडल यहाँ नागालैंड में होगा। लेकिन नागालैंड के लोग शांति है, शांति चाहते हैं और इस शांति का भी होना चाहिए। हमारे नेता जी बोलने में विश्वास नहीं करते। यहाँ तो लोग 2018 में बोल के चले गए, 2023 तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारे नेता बोलने में विश्वास नहीं करते, करने में विश्वास करते हैं और जो काम करते हैं वो काम खुद बोलता है, इससे पहले कोई वादा नहीं करता। इसलिए हम साथियों आपसे आग्रह कर रहे हैं, आज हम आए हैं, आज आप नेता को सुन रहे हैं, हम सब लोग भी उनके साथ आए हैं, उनको भी सुनना चाहते हैं, लेकिन हम आपको ये भरोसा जो विश्वास दिलाएंगे जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष होने के नाते कि अगर आपका विश्वास सहयोग समर्थन अगर मिला तो हम वादा नहीं करेंगे नागालैंड में शांति स्थापित करने के लिए जो कुछ भी करना होगा जनता दल यूनाइटेड उसके लिए प्रयास करेगी। और इन्हीं शब्दों के साथ आज जेपी जयंती के अवसर पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।